Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब बोलो भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभुपा जय जय प्रभुपा नितई गौर हरि बोल हरि बोल नितई गौर हरि बोल जय सुपाद परम श्रीचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदभय चरणाज मुक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य प्रविष्ट जय सुपाद परम श्रीचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की समवेद गौर भक्तवृंद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताई गौर हरि प्रबंध है ऑल ग्लोरीज टू द सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु अंगरंगा तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वैराग्योत्पत्ति रसं प्रयत्नै अपायनं मामभिसुमन्धं कृपां बुद्धि पर दुख दुखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पद्रुपस्य कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाशदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 16 श्लोक संख्या 53 श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। विदेही ते किं करीणां किं करीणां अनुष्ठेयम् तवाग्यया यत् श्रद्धया अनुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किंकरिणां अनुष्ठेयं तवाग्यया यत् श्रद्धया अनुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किंकरिणां अनुष्ठेयं तवाग्यया यत् श्रद्धया अनुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किंकरिणां अनुष्ठेयं तवाग्यया यत् श्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किं करिणां अनुष्ठेयं तवाग्यया मुच्यते सर्वतो भयात्। अनुष्ठेयं तवाग्यया यत् श्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। विदेहिते किं करिणां मुच्यते सर्वतो विदेहिते किं करिणां अनुष्ठेयं तवाग्यया यत् श्रद्धयानुतिष्ठन् वै
मुच्यते सर्वतो भयात्। हरि बोल। छोटा है, पढ़िए, छुटका श्लोक है। आप लोग स्वयं से हाथ खड़ा कर लीजिए। विदेही ते किं करिणा अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रतरानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भया। विदेही ते किं करिणा अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रतरानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भया। हरे कृष्ण। विदेही ते किं करिणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रतरानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भया। और विदेही ते किं करिणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रतरानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भया। हरि बोल। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य विदेही आज्ञा दें ते आपकी किं करीणाम दासियों द्वारा अनुष्ठेयम जो किया जाना हो तवा आपकी आज्ञया आज्ञा से यत जो श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक अनुतिष्ठन संपन्न करते हुए वही निश्चय ही मुच्यते मुक्त हुआ जा सके सर्वतः सभी भयात भय से। अनुवाद दोहराएंगे। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाइए कि हम क्या करें। ये निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य अब काली की पत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था और कृष्ण ने तुरंत ही उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर दी जैसा कि आगे के श्लोकों में वर्णन हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। देखिए श्लोक से कथा बोलने से कितना बड़ा लाभ होता है कि बहुत सारे लोग कुछ संस्कृत सीख गए हैं, भागवत के श्लोक पढ़ने सुनने का अवसर मिल गया है और अनुभव भी हो रहा होगा कि अब कुछ कुछ लोग बोलते बोलते उसका कुछ कुछ अर्थ तो समझ में आ रहा है।
तो जन साधारण को ये श्लोक उपलब्ध नहीं रहते हैं। उपलब्ध तो हैं, सब किताबें छपी हुई हैं और भक्त लोग भी बांटते रहते हैं, मगर हम लोग नाक सड़ाते रहते हैं अगर श्लोक पढ़ने के लिए बोल दिया जाए और बेवजह करते हैं। हम जब छोटे थे, पहली बार अपने गुरु महाराज से मिला, तो महाराज जी मेरे को भागवतम पढ़ने के लिए बोले। अब उस समय तो संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो मैं बोला भागवतम पढ़ेंगे मगर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। सीधा बोला भागवतम पढ़ लेंगे मगर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। तो गुरु महाराज बोले कि देखो, लोग पैसा कमाने के लिए जर्मन सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, रशियन सीख लेते हैं, क्या हम कृष्ण को पाने के लिए संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं? और ये तो हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, हिंदी इसी से आई है ना, संस्कृत से ही हिंदी आई है, और हिंदी हम लोग पढ़ते हैं बोलते हैं, तो अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो हम क्यों संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे? और जानते हैं, यदि श्रीमद् भागवतम बोली जाए और इसके संस्कृत के श्लोकों को ना बोला जाए, तो जितना रस भागवतम में है या जितना आस्वादन हम लोग कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, उसका 5% भी नहीं कर पाएंगे। यदि छोड़ दिया जाए भागवत के श्लोकों को, तो फिर क्या कथा बोली जाएगी? इतनी सी कथा बोली जाएगी, पूतना नाम की राक्षसी आई थी, स्तनों पे जहर लगा के भगवान उसका दूध के साथ प्राण भी पी लिए, पूतना मर गई, निताई गोर हरि बोल। उसके बाद त्रिणावत नाम का असुर आया था, बवंडर की तरह कृष्ण को उड़ा के ले गया, कृष्ण उसको मार दिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो शक्टासुर शकट के रूप में था, कृष्ण उसके नीचे लेटे थे, एक लात मारे शकट को खत्म कर दिए, बोले भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण बड़ी माखन चोरी करते थे, यशोदा माता रस्सी ली, कृष्ण को उखल से बांध दी, कृष्ण बंध गए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बछड़े के रूप में वत्सासुर आया, वो बछड़े का नकली रूप धारण करके आया था, भगवान श्री कृष्ण उस बछड़े को पकड़े और पूछ घुमा के उसको मार दिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अजगर के रूप में अघासुर आया और अघासुर के मुख में भगवान बड़े हो गए, इतना बड़े हो गए कि वो मर गया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ब्रज में आए, भगवान के सखा बछड़े चोरी कर लिए, भगवान उसका डुप्लीकेट बना दिए, उसके बाद ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ गलती हो गई, माफी मांगने के लिए आए, भगवान माफ कर दिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गधे के रूप में धेनुकासुर आया, गधा था, तालवन की रक्षा करता था, बलराम जी गए तो रत्ती पकड़े उसको, घुमाए, ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिए, मर गया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हो गया संपूर्ण भागवत। कालिया नाग आया, ब्रज में जहर फैला रहा था, भगवान उसके ऊपर नाचे, काली पत्नी उसकी स्तुति की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालिया नाग को मारने के बाद ब्रज में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, भगवान मुंह खोला, आग पी गया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान गोचारण करते हुए भंडीर बन गए, प्रलंबासुर गोहरबाल बन के आया, बलराम जी प्रलंबासुर को मार दिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोपियां वेणु गीत के, भगवान की वेणु के बारे में, वंशी के बारे में जो गीत गाएंगे उसको वेणु गीत बोलते हैं, उसका एक भी श्लोक हमको याद नहीं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान यमुना के तट पर गए, गोपीगण कात्यायनी की पूजा करती थी, उसका भी एक भी श्लोक हमको याद नहीं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान के सखा उनसे मांगने गए, वो ब्राह्मण लोग नहीं दिए, भगवान ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजे, ब्राह्मण पत्नियां प्रेम पूर्वक सब कुछ समर्पण कर दी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 7 साल का छोटा सा बालक गिरिराज उठा लिया, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे इंद्र का घमंड तोड़ दिया, इंद्र का घमंड तो टूट गया, हम लोग का घमंड टूटता नहीं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नंद महाराज को वरुण के पार्षद उठा के लेके चले गए, वरुण देव नंद महाराज की स्तुति, कृष्ण की स्तुति किए, नंद महाराज को कृष्ण वापस ले आए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 5 अध्याय में, राज पंच अध्याय में रासलीला का वर्णन किया गया, भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला किए, 3rd क्लास का भगवान है, बोलो उसकी भी। भाई जब श्लोक छोड़ दोगे तो 3rd क्लास का भगवान है, दूसरों की पत्नियों के साथ डांस किया, मगर जब श्लोक पकड़ेंगे, एक एक श्लोक उसका अर्थ करके समझेंगे,
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई धीर व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों से रास विहार की लीला सुन ले तो उसका हमेशा के लिए काम रूपी रोग नष्ट हो जाएगा। मगर ये श्लोक सुनाना भूल जाते हैं और सीधे सीधे गाते हैं, जयति ते धिकम् जन्मना व्रजा, इसका भी अर्थ हमें नहीं है आता। आगे की कथा सुनाएंगे, चाहे समझो या ना समझो, हम भागवत को भागवत से नहीं सुनाएंगे, चाहे इसी में मस्ती मारो। कितना सुंदर एक एक श्लोक एक एक रस भागवत में रखा गया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराणा, मध्यस्थ श्री भागवत पुराणा। कह रहे हैं कि विचार करो मन में कि भक्ति रस का यदि आस्वादन करना है तो श्रीमद् भागवतम छोड़ के कभी भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर पाओगे। इसका एक एक श्लोक एक एक पद भगवान के प्रेम से भक्ति रस से भरा पड़ा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, महाप्रभु कहते थे भागवत अर्थ आस्वादन, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना है तब चित्त को वो रस की प्राप्ति होगी। और चित्त में जब वो रस मिलेगा भागवत का तो ज्ञान विरागे स्वतः भक्ति के बच्चे हैं वो हृदय में प्रकाशित होंगे। और अगर श्लोकों को छोड़ दिया जाए, प्रायः क्या हम लोग सुनते हैं, जैसे हम कथा सुनते हैं, 6 महीने तपस्या किया ध्रुव महाराज, भगवान प्रकट हुए, भगवान की स्तुति किया, स्तुति के श्लोकों को कोई नहीं बोलता है। बता देंगे भीष्म पितामह के पास भगवान गए, भीष्म पितामह भगवान की स्तुति किए और उसके आगे की कथा सुनाने लगेंगे। बताए कि वृत्रासुर भगवान की स्तुति किया, उसके आगे की बात बता देंगे। स्तुति में क्या बोला हो, वो भक्त के हृदय का क्या उद्गार था, वो ऐसी क्या बात बोला जिसपे भगवान इतना रिझ गए उसके ऊपर, क्या उसके हृदय की बात थी उसको जानना जरूरी है या नहीं है। यदि नहीं जानेंगे तो वैसी बात अपने जीवन में कैसे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सही तरीका कहने का यही है कि भागवत के एक एक श्लोक के ऊपर जो आचार्यों ने विचार दिया है, अपना मनोविलास नहीं बोलना चाहिए, मनोकाल्पनिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो गया स्कॉलर बन गए, अब शब्दों को तड़ोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से जो मतलब निकालना है वो मतलब निकालने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो तो गलत बात है। जो भागवत का मतलब है, जो अर्थ हैं, जिसको सिद्ध महापुरुषों ने आचार्यों ने अपनी टीकाओं में वर्णन किया है, उन्हीं अर्थों को यदि हम समझेंगे तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करेंगे। हमें जितने ज्ञान की आवश्यकता है सारा का सारा श्रीमद् भागवतम में रखा गया है। ये श्रीमद् भागवतम ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे मन में जहाँ तक कोई प्रश्न उठ सकता है, जहाँ तक, वहां तक के सारे प्रश्नों का उत्तर व्यासदेव ने पहले ही श्रीमद् भागवतम में दिया है। भागवत में कहा गया है, तम सर्व हृदय मुनिमानतोस्मि,
सुखदेव गोस्वामी सभी जीवों के हृदय के भीतर रह के उनकी स्थिति को जानते हैं, कौन कैसे माया में फंसे है, कितना माया में फंसे है, उन अनर्थों से उसको कैसे निकालना है, वो सारी चाबी जानते हैं भगवान के धाम के एक एक दरवाजे की। वो श्रीमद् भागवतम में हर वो चीज़ रख दी जो हमारे को भगवत प्राप्ति के लिए ज़रूरी है और चाहे इस संसार में सुखी रहने के लिए ज़रूरी है। मगर यदि हम उसको सम्यक रूप से ना पढ़े ना समझे, और आगे की भी कथा है, वहाँ खत्म नहीं होती रासलीला के बाद। वो गाय बैल के रूप में अरिष्टासुर आया और खूब चीख रहा था, आवाजें निकाल रहा था, भगवान उस अरिष्टासुर को भी पैर से घुमाया और मार दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। घोड़े के रूप में केशी देते आया, भगवान एक ऐसे हाथ लिए उसके मुख में डाल दिए, मुख में हाथ डाल के इतना बड़ा है कि केशी देते भी मर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर नारद मुनि जाके कंस को बताए कि देखो वो कृष्ण बलराम तुम्हारा मर्डर करने वाले, वह नंद के घर में वसुदेव पूछा के आ गया था, तो इतना गुस्से में आ गया कि कंस ने अब अक्रूर जी को भेजा कि कृष्ण बलराम को लेके आओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए और कृष्ण को उठा के ले आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मगर ये भी तो बताइए कि अक्रूर जी जब मथुरा से नंदगांव जा रहे थे तो मन में क्या क्या मनोरथ करते हुए जा रहे थे। बहुत सुंदर मनोरथ कर रहे थे, मैं जाऊंगा, मैं अपनी इन्हीं आंखों से कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, उनको देखूंगा। जब अक्रूर जी रास्ते में जा रहे थे अपने रथ से कूद के वहां की जमीन पे लोट लोट के, जहां भगवान के चरणों के चिन्ह थे उसमें लोट 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 रहे थे अक्रूर जी, और जाते जाते मनोरथ कर रहे थे कि मैं जब नंद भवन में पहुंचूंगा तो कृष्ण बलराम भी मेरा स्वागत करेंगे और पूछेंगे चाचा जी आप कैसे हो। जब इतना पूछेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये सब यदि नहीं सुने और केवल उतना कैप्सूल के रूप में सुन लिए तो फिर कैसे पता चलेगा कि भक्ति में क्या रस है। और ये भी भावना बनी रह जाएगी, अरे संबंध गढ़ंत कहानियां रच रच के डाल दी गई है, ये भावना भी खत्म नहीं हो पाएगी। इसलिए भागवत के अर्थ आस्वादन पे महाप्रभु जोर दिए। कल हम कितने सुंदर श्लोक का उच्चारण किए है, तपस्व तप्तम कि मनेन पूर्वम निरस्त मानेन च मान देना धर्मो अथवा सर्वजनानुकंप्या यतो भवान स्तुष्यति सर्व जीवा। अरे काली पत्नी बोली कि पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, इसके कर्मों को देख के तो लगता है कि इसकी दुर्गति होनी चाहिए थी, मगर इसकी सदगति को देख के लगता है कि शायद कुछ अच्छा कर्म किया होगा। अगर इसके वर्तमान कर्मों पे देखें तो दुर्गति तो निश्चित है, होनी चाहिए थी, मगर गति की तरफ जब देखते हैं कि कितनी सुंदर गति पाया तो लगता है कि कुछ कर्म तो किया होगा। तो इस जन्म में किया नहीं, पूर्व जन्म में किया होगा। कैसी तपस्या, तो अमानी न मान देने रह के आपके लिए निश्चित रूप से तपस्या किया होगा। देखिए ये वैष्णवों का संतों का स्वभाव होता है कि वो अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रख के है, सबको मान सम्मान देते हैं। हम सब जानते हैं तुलसीदास जी के विषय में, तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखे हैं कि मैं तो संतों की पिनहिया का दास हूँ, सेवक हूँ। अच्छा नाभादास जी वर्तमान लिखे तो वर्तमान में अनेक भक्तों के चरित्र का वर्णन किए है। अब एक दिन की बात है, नाभादास जी ने एक भोज का आयोजन किया, तो उस भोज में जितने भी वहाँ के स्थानीय संत थे सबको बुलाया गया, तो सब लोग संत लोग समय से आए, तुलसीदास जी लेट पहुँचे, सबको पत्तल दिया गया, परोसा जा रहा था, तुलसीदास जी लेट पहुँचे और जाके सीधा बैठ गए। जब बैठ गए तो जो परोस रहा था जब उनके सामने पहुंचा तो बोला बाबा तुम्हारा पत्तल किधर है, किसमें देंगे तुमको। तो जहां सब लोग अपनी चरण पादुका अपना जूता उतारे थे वहां तुलसीदास जी बैठे थे, उन्हीं एक पादुका में से एक पादुका आगे कर दी कि इसमें परोस दीजिए। तो परोसने वाले को जायज है, उसको गुस्सा आया, बोला
कि यह भगवान का प्रसाद है, तुम उसको जूते में लोगे? गुस्सा ने बहुत गर्मा गया, बहुत गुस्सा आने लगा। तो जब गुस्से की आवाज आई नाभादास जी को, तो नाभादास जी वहां भीतर से बाहर आके देखे कि क्या हो गया। तो वो बताया कि देखिए, ये एक संत की खड़ाव निकाल के बोलते हैं कि इसमें दे दो, भगवान का प्रसाद चप्पल में लिया जाता है। तो तुलसीदास जी खड़े होकर बोलते हैं कि मैं तो संतों की पिनिया का सेवक हूँ, यही है मेरा पहचान। नाभादास जी विनय पत्रिका पढ़े थे, बोले ये तो तुलसीदास जी का वाक्य है, अब पहचान पूछे कि आप कौन है। तो नाम बताए कि मैं तुलसीदास। तो नाभादास जी ढूंढ रहे थे कि मैं भक्तमाल लिखा, माल मतलब माला, भक्तों की माला। तो भक्तमाल में लिखा माला के एक एक मन के तो मैंने देख लिए, उस सुमेरु की खोज कर रहे थे। जानते ना, माला के ऊपर एक अलग से सुमेरु रहता है, अभी उसकी खोज नहीं कर पा रहे थे। अनेक संतों का चरित्र लिखे है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी से ये बात सुने कि मैं तो केवल संतों की कन्हैया का एक सेवक हूँ, तो बोले ये है हमारी भक्तमाल का सुमेरु, उनको सुमेरु चुने। क्योंकि ये दैन्यता, ये विनम्रता, ये भक्ति की जननी है, भक्ति जन्म लेती है। जिस व्यक्ति में दैन्यता नहीं है, विनम्रता नहीं है, यदि कदाचित उसके पास भक्ति देवी आ भी जाए, तो आने के बाद वापस चली जाती है, ज्यादा दिन उसके पास नहीं रह पाती। कई लोगों को देखा जाता है, माला लेते हैं, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर आते हैं, और कुछ दिन में गायब हो जाते हैं। वे कारण क्या? भक्ति तो भागवत सुनने से जन्म ली थी, मगर जो गुण उस भक्ति को पकड़ के रखेंगे, भक्ति की जननी क्या है? दैन्यता। तो वो दैन्यता आदि गुण के अभाव के कारण भक्ति आने के बाद भी वापस चली जाती है। तो इतनी बड़ी दैन्यता कि हम तो महान संतों के केवल चरण पादुका के सेवक हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है, तो उनको भक्तमाल की सुमेरु नाभाजन आ गए। तो इस प्रकार से काली पत्नी विचार कर रही है कि शायद इतनी विनम्रता के साथ पूर्व जन्म में भजन किया होगा, नहीं तो आज भगवान के चरण कैसे पा गया। बार बार कितना श्लोक में यही बात, कस्या अनुभवस्य न देव विद्महे तवांग रिवेणु स्पर्शाधिकारा। ये कस्या अनुभव, अरे किसका रिजल्ट है ये? क्या कि तवांग रिवेणु स्पर्शाधिकारा, आपकी चरण धूली के स्पर्श का अधिकार इस बदमाश कार्य को कैसे मिल गया? अब यदि भगवान पूछते कि हमारी चरण धूली में ऐसी क्या महानता है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत विरलों को मिलती है। भाई चरण धूली तो ऐसे रोड पे पड़ी होती है ना, बोले सबकी पड़ी होती है, आपकी चरण धूली प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी अनेक जन्मों तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करने के बाद भी भगवान के चरण कमलों की रज का एक कण तक नहीं पा पाते हैं। और कौन आप? तो कह रहे हैं यद वांछया श्री दलनाचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। जिस चरण कमल को प्राप्त करने के लिए यद वांछया श्री, श्री मतलब लक्ष्मी जी, ललना चर तपो, जिन लक्ष्मी जी को सारा संसार चाहता है, ब्रह्मा जी चाहते हैं, शिव जी चाहते हैं, धन के रूप में सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इंद्रादि देवता चाहते हैं, आप में से कोई जो लक्ष्मी को ना चाहता हो हाथ खड़ा करे? ऐसा है भी नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड जिस लक्ष्मी को चाहता है, वो लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को चाहती है। ऐसे अच्छा चरण कमल को चाहती है, तो एक सवाल उठेगा, मिले आज तक या नहीं मिले? तो आज तक नहीं मिले है। वो लक्ष्मी जी को भगवान नारायण की छाती पर वास मिला, वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। तो लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, तो अपने पति की खोज कर रही थी, स्वयंवर जैसा हो गया एकदम। तो सब में कुछ गुण देखती, कुछ दोष देखती। नूनम तपो यस्य न मन्यो निर्चयो, अरे देखो ये तपस्वी तो बहुत है मगर गुस्सेल बहुत है, तो रिजेक्ट कर दी। किसी किसी को देखी धर्म क्वचित नत्र भूत सौहृदम,
इसमें धर्म तो बहुत मिलता है, धार्मिक है, धर्म करता रहता है, मगर जीवों के ऊपर दया नहीं है, बकरा मार मार के खाता है, रिजेक्ट कर दी। जो धर्म का आचरण करे मगर किसी पे दया का भावना ना रखे, लक्ष्मी जी उसको लाइक नहीं करती है, रिजेक्ट कर दी। बोली कोई कोई मंगल दिखाई दे रहा है, उसकी आयु का पता नहीं, और किसी कोई हर प्रकार से आयु का भी पता है, तो उसका वेश ऐसे है कि शरीर पर राख लपेट के रहता है, कौन विवाह करेगा। तो अनेक जनों की तरफ देखी और सब में कुछ दोष निकाल निकाल के सबको रिजेक्ट कर दी। अब सबको जब रिजेक्ट कर दी थी, तब तक नजर गई भगवान नारायण के ऊपर, तो क्या देखी, देखी कि ये हर तरीके से परफेक्ट है, सारे सद्गुण इनमें हैं, और बाकी सबके जो गुण हैं वो तो टेम्पररी हैं, इनके गुण परमानेंट इनमें हैं, ये भी देखी। मगर इतना देख के एक दोष उनमें भी निकाल दिए, क्या ये दोष निकाल ली कि हर तरीके से परफेक्ट है मगर मुझको चाहते ही नहीं, उनको कोई कामना ही नहीं है मेरी। तो लक्ष्मी जी भगवान के इन गुणों को देख के सबको रिजेक्ट करके भगवान को वरण की, और क्योंकि सबको रिजेक्ट करके भगवान को वरण की, इसलिए भगवान लक्ष्मी को एक स्पेशल जगह दिए अपने जीवन में, अपने शरीर पर, क्या अपनी छाती पर वासती है, एक सोने की रुमावली भगवान की छाती पर रहती है, श्रीवत्स अंकम, सब जगह लिखा रहेगा श्रीवत्स अंकम, जो श्री जी उनकी छाती पर रहती है, मगर छाती पर अकेले उनका साम्राज्य है, और चरणों में सारे भक्त रहते हैं, तुलसी महारानी रहती हैं, वहाँ इतना भीड़ भड़के में रहना पड़ेगा, मगर लक्ष्मी जी छाती पर रहना पसंद नहीं करती हैं, वो निरंतर भगवान के चरणों की सेवा को पसंद करती हैं, चाहे भीड़ भड़के में रह के करनी पड़े, वहाँ अपना निष्कंटक राज्य है, अकेली लक्ष्मी वहाँ पर है, मगर छाती उनको पसंद नहीं है, क्या पसंद करती हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा पसंद करती हैं। तो ये तो भगवान नारायण के प्रति, मगर एक बार लक्ष्मी जी की इच्छा हुई, देखिए नारायण और कृष्ण दो नहीं है, एक ही व्यक्ति है, अंतर बस इतना है, तत्व से तो दोनों एक है, अंतर इतना है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई दादा है, किसी बच्चे का दादा है, तो दादाजी मान लीजिए कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, तो दादाजी कोर्ट में और दादाजी घर पे, व्यक्ति एक है या दो है, हैं? व्यक्ति एक है या दो है, व्यक्ति एक है, मगर जब दादाजी कोर्ट में बैठे हैं, मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठे हैं, तो अपना ही पोतों की गोद में नहीं चढ़ सकता, और जब वो घर पे आ जाते हैं तो उनका अपना पोता गोद में चढ़ना तो छोड़ो, उनको घोड़ा बना के उनके ऊपर पीठ पे चढ़ जाता है। व्यक्ति एक है मगर कुछ अंतर हुआ। तो ऐसे ही भगवान नारायण जो वैकुंठ के अधिष्ठात्री हैं, वैकुंठ के ईश्वर हैं, वहां जाएंगे तो दूर से हाथ जोड़ के जय जगदीश हरे, मगर जब वृंदावन में वही भगवान विष्णु, वही कृष्ण जब वृंदावन में है, तो उनके साथ इतना खुला व्यवहार है कि भगवान के सखा उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, माता यशोदा उनका कान पकड़ के रस्सी से बांध देती है, और गोपियों को भरसक गिर जाती हैं, और उनको ये सब अच्छा लगता है। जब घर पे हैं तब थोड़ी ना कोई फॉर्मेलिटी रहेगी, तब तो ओरिजिनलिटी रहेगी, मगर ऑफिस में सब बहुत फॉर्मेलिटी रहती है। तो व्यक्ति एक है, मगर लक्ष्मी जी क्योंकि नारायण से ज्यादा, ऑफिस से ज्यादा दादाजी घर पे अच्छे लगेंगे ना, कोई ऑफिस में तो बात ही नहीं कर रहे हमसे, वो जहाँ पे सबको बिठा के रखा है वहां पोते को भी बिठा दिया, तो पोते को लगेगा मुझमें क्या स्पेशल है, तो उसको घर अच्छा लगेगा। तो लक्ष्मी जी को इच्छा हुई कि मैं भी भगवान की रासलीला में भाग लूं, तो लक्ष्मी जी इच्छा की कि मेरे को भी रासलीला में आना है। तो इधर वृंदावन तो पहुंच गई, मगर वृंदावन में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला। पूछी कि कैसे प्रवेश मिलेगा, पूर्णमासी जी बताई कि देखो गोपियों का चरण आश्रय करना पड़ेगा, राधा रानी की शरण ले लीजिए, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश राधा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। अब लक्ष्मी जी मन में विचार की, मैं वैकुंठ की अधिष्ठात्री, देखो कितने हीरे गहने सोने का मुकुट
और हमेशा इस पोज में रहती है ना, आशीर्वाद देने के हैं। मुनि में वैकुंठ की मालकिन, वैकुंठ की अधिष्ठात्री, संपूर्ण ब्रह्मांड को संपदा देने वाली, और इन अहिरणों की, इन ग्वालिनों की दासी बन जाऊं, इनका आश्रय करूंगी। बोले नहीं नहीं, रहने दो, हम एक दूसरा उपाय निकालेंगे। क्या उपाय निकाली वो? तो वही आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन केशी घाट, जहाँ यमुना जी है, उस केशी घाट के जस्ट ऑपोजिट एक वन है जिसका नाम है बेल वन। तो लक्ष्मी जी बेल वन में डेरा डाल रही है। बोली हम गोपियों का चरण आश्रय नहीं करेंगे, अलग से तपस्या करेंगे और उससे कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो आज लक्ष्मी जी को तकरीबन 5000 साल हो गए बेल वन में बैठी तपस्या कर रही है, अभी तक उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। तो गोपियों का चरण आश्रय नहीं किए, मगर अलग से सोची कि बिना उसको किए हम अलग से कुछ तपस्या करके भगवान को पाएंगे। यद वांछया श्री ललना चरण तपो, वो तपस्या की और विहाय कामान, अपनी समस्त कामनाओं को त्याग के, अपने वैकुंठ के सुख भोग को त्याग के, वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य है लक्ष्मी जी के पास, कितनी सारी दासियां हैं, कोई काम खुद नहीं करना पड़ता, मगर वो सारा सुख भोग ऐश्वर्य वैकुंठ का साम्राज्य छोड़ के बेल वन में तपस्या कर रही हैं। विहाय कामन सुचिरम, बहुत काल से तपस्या कर रही हैं, और धृत व्रत, एकदम उनका दृढ़ व्रत है कि नहीं पाके मानूंगी भगवान को, मगर सिर्फ तपस्या करने से आज तक वो भगवान प्राप्त नहीं हुए जो भगवान आज कार्य के फलों पर अपना पैर रखती है। ये आश्चर्य की बात है। वो लक्ष्मी जो नारायण की वक्ष विलासिनी है, वो लक्ष्मी जी जिनको सब लोग चाहते हैं, वो लक्ष्मी सारी चाह को छोड़ के, सारी कामनाओं को छोड़ के एक मन से तपस्या में लगी हैं, जिन कृष्ण के चरणों को पाने के लिए। उन कृष्ण के चरण लक्ष्मी को तो नहीं मिले, मगर इस काली को कैसे मिल गए, ये काली पत्नी कह रही है। अब देखिए, यदि ये श्लोक छोड़ देते तो ये बातें कैसे समझ में आती। ये भागवत का जो भक्ति का रस है, कैसे समझ में आता। और इन श्लोकों में केवल रस नहीं, कितने गूढ़ सिद्धांत है। भाई लक्ष्मी जी चाहती थी कि मैं गोपियों का चरण आश्रय किए बिना कृष्ण को पा जाऊं, रासलीला में चले जाऊं। तो इस लीला से समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट तपस्या किया जाए और गोपीगणों का चरणाश्रय न किया जाए तो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को पा नहीं सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कृष्ण को ब्रह्मचारी के रूप में देखना, ये राधा से क्यों, राधा के साथ क्यों खड़ा रहता है, तुमको क्या प्रॉब्लम है ये बताओ पहले, राधा के साथ क्यों खड़ा रहता है। वो क्या चाहते हैं, कृष्ण को राधा रानी से अलग देखना चाहते हैं। मगर यदि आप कृष्ण को राधा रानी से अलग कर नहीं सकते, हम लोगों के छोटे प्रयास से क्या दोनों अलग हो जाएंगे? जैसे सूर्य को उसके प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता, चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, मिर्चा से तिताई को अलग नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल वैसे ही राधा और कृष्ण को आप अलग कैसे कर सकते हैं। एक शक्ति और एक शक्तिमान है, वो दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। मगर कोई सोचे कि हम राधा को साइड करके कृष्ण के पास चले जाएंगे, तो लक्ष्मी जी बेल वन में बैठ के दिखा रही हैं कि 5000 साल से मैं भी यही कोशिश में लगी हूँ, भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। राधा रानी का आश्रय करो, राधा आश्रय जयी सही महाशयी। अगर राधा रानी किसी पे प्रसन्न हो के कृष्ण को बोल दें, कितना एक नंबर का बदमाश क्यों ना हो, मगर राधा रानी कहते हैं कि कृष्ण ये भक्त बहुत अच्छा है, कृष्ण को उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। कारण क्या जी, भगवान से बोले व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते, वो व्रज की ईश्वरी है, व्रज की एकमात्र अथॉरिटी श्री राधा रानी है। यदि राधा रानी कुछ कह दें तो भगवान कृष्ण को भी उनकी आज्ञा को पालन करना पड़ता है। एक बार यदि कह दे, बदमाश है, एक नंबर का बदमाश है, मगर राधा रानी को दया आ जाए, बोले नहीं नहीं कृष्ण बहुत अच्छा है, भगवान को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी की तपस्या का स्वरूप कैसा है, तो विहाय कामन सुचिरम दृढ़व्रतः, दृढ़ व्रत के साथ तपस्या करना चाहिए। और विहाय कामान,
जो भौतिक कामनाएं होती हैं, संसार के भोगों की जो कामना होती है, या भोग भोगने से व्यक्ति का जो चित्त है वो मलिन हो जाता है, उसका तपस्या का गुण चला जाता है। इसीलिए इसको हमें चार नियम इतने प्रसिद्ध हैं, क्या? कोई व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं और शराब नहीं, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं और व्यभिचार नहीं। क्यों? क्योंकि इन चार चीजों में कोई व्यक्ति पड़ेगा तो उसको तपस्या में मन नहीं लगेगा। परीक्षित महाराज इन चार जगह पर कलयुग को वास दिए। कलयुग जब परीक्षित महाराज की शरण लिए, परीक्षित महाराज तो खदेड़ रहे थे, उसको छोड़ नहीं देते, मगर कलयुग बोला उनको कि महाराज अब मेरा समय आ गया है, मैं भी आपकी प्रजाओं, मुझे आश्रय देना चाहिए। तो परीक्षित महाराज उसको चार स्थान दे दिए, बोले जहाँ व्यभिचार हो, जुआ खेला जाए, मांसाहार हो, नशा हो, इन चार स्थानों पे तुम अपना प्रभाव दिखा सकते हो तो उनको छूट है। जहाँ ये चार चीजें रहती हैं वह लड़ाई झगड़ा रहेगा तो खदरी रहेगी, निश्चित निश्चित रहेगी। कली का मतलब क्या है कि कला और धोखाधड़ी, कला मतलब झगड़ा और धोखाधड़ी, धोखा देना और धोखा खाना, दोनों धोखाधड़ी में आता है। तो उस समय कली बोला कि महाराज मूर्ख मुझी को बनाना है आपको, आपका जब तक शासन है, आपका जब तक राज्य है, ये चार जगह कहीं मिल ही नहीं मेरे को। कोई मांसाहार नहीं करता था, कोई जुआ नहीं खेलता था, कोई व्यभिचार नहीं करता था, कोई नशा नहीं करता था, तो एक स्थान और मांग लिया। तो परीक्षित महाराज बोले कि तुम स्वर्ण में वास करोगे, जहां ज्यादा धन होगा वहां कलयुग का वास हो गया। तो जो धन भगवान की सेवा में नहीं लगता और धन रहे तो धन लड़ाई झगड़ा और धोखा देना धोखा खाने का कारण बन जाता है। तो संसार के जो भोग वस्तुएं होती हैं, यदि ये भगवान का प्रसाद ना हो, भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण ना किया जाए, तो ये व्यक्ति को तपस्या से गिरा देती है। तो लक्ष्मी जी अपनी सारी भौतिक कामनाओं का त्याग करके भगवान के लिए तपस्या कर रही है, ये सीखने को मिलता है। एक बार की बात है, एक महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी, इन लोगों का नियम था कि प्रत्येक एकादशी को भगवान विठल नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो अब एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि जा रहे थे तो उस तरह बोलते ना, बाल छीलते कि जरूर दसो, वो छीलने वाला नहीं जिससे छीला जाता है, हैं? सब अपनी भाषा में अलग नाम बता रहे हैं, इंग्लिश में बोलूंगा रेजर। तो रेजर में ब्लेड लगा रहता है, धार रहती है, पहले जमाने में अलग ढंग का होता था, उनके जमाने में किस ढंग का होता होगा वो जाने। तो मन में क्या विचार किए, अब जानते हैं ब्लेड को अगर पत्थर से रगड़ा जाता है तो उसकी धार बन जाती है। तो मन में विचार किए कि जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाऊंगा तो वहीं से एक पत्थर उठा लूंगा, उस पत्थर पे रगड़ने से हमारा ब्लेड को धार हो जाएगी। तो इधर नामदेव जी अपने एक मित्र के साथ, जिनके साथ हर एकादशी को जाते थे ठाकुर जी का दर्शन करने, ठाकुर जी का दर्शन करने गए। उधर ठाकुर जी बोलते हैं, उनके साथ जो भक्त आए थे उनको बोले कि आज विठल देव नहीं आए, तो आज नामदेव नहीं आए। तो ये भक्त बोलते हैं, अरे ये तो खड़े आपका दर्शन कर रहे हैं। भगवान बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ये भगवान उनको बोले, ठाकुर जी बोले, टीटी बोली, मूर्ति बोली। अब वहां से दर्शन करके वापस गए तो रास्ते में बताए, आज भगवान तुमको देख नहीं रहे थे, मुझे भगवान बोले, पूछे कि नामदेव किधर हैं, तो मैं दिखाया तुम बगल में खड़े थे, मगर भगवान बोले कि दिखाई नहीं दे रहा। अब नामदेव जी बहुत बड़े संत थे, वो समझ गए कि आज मैं ठाकुर जी का दर्शन तो करने गया था, मगर क्या सोच ही गया था कि साथ में वो एक पत्थर उठा के ले आऊंगा। तो आधे मन से गया था, कोई दूसरा मोटिव था ना, वो पत्थर उठाने गए दर्शन। तो अब अगली एकादशी जब गए, पत्थर तो ले आए थे, अब अगली एकादशी गए तो मन ने सोचे कि अब के जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाऊंगा तो पत्थर वापिस रखाऊंगा।
तो फिर गए दर्शन करने के लिए, तो ठाकुर जी के सामने खड़े थे। भगवान उनके फ्रेंड से पूछे कि आज फिर नामदेव नहीं आया? बोले प्रभु ये तो खड़ा है आपके, देखो आपका दर्शन कर रहा है, देखिए। बोले नहीं, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। अब जब वापस लौट रहे थे तो बताए कि तुम आज भी तुम्हारा मन कहीं और था लगता है। भगवान बोले कि तुम दिखाई नहीं दे रहे थे। तो नामदेव जी समझे कि पिछली बार जब मैं आया था तो सोचा था कि पत्थर उठा लूंगा, इस बार जब मैं दर्शन करने आया सिर्फ दर्शन करने नहीं गया, सोचा कि पत्थर रखाऊंगा। तो भोग के प्रति दृष्टि हो चाहे त्याग के प्रति दृष्टि हो, यदि भगवान के प्रति दृष्टि नहीं है तो फिर भगवान हमको नहीं देखते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी विहाय कामान, सारी भौतिक कामनाओं को छोड़ के केवल और केवल दृढ़ व्रत होके श्री कृष्ण के चरणों की आराधना में लगी रहती है। कहिए न नाग पृष्ठम न चारोहम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वांछन्ति यत्पात्र जप्रपन्ना। भगवान यदि पूछ दे कि आखिर मेरे चरणों की धूलि की महिमा बोल रही हो, मेरी चरण धूलि की क्या महिमा है, इससे क्या फल मिल जाता है बताओ। यदि कोई मेरी चरण धूलि पाले, बहुत मुश्किल है इसको पाना, यदि कोई पाले तो उसको उससे क्या फल मिल जाएगा। तो नाग पत्नियां कहती हैं कि ऐसी बात मत बोलिए, आपकी चरण धूलि को पाने से जो फल मिलेगा उस फल से कोटि गुना ज्यादा बड़ा तो आपकी चरण धूलि ही है, उसी को पाना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लोग पूछते हैं नाम जप करने से क्या होगा, भागवत सुनने से क्या होगा, भगवान के मंदिर आने से क्या होगा। तो ये बात निश्चित है कि वांछन्ति, जो भी आप इच्छा करोगे भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये हरि नाम तो चिंतामणि के समान है, जप करते हुए जो सोचेंगे आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। भागवत श्रवण कर रहे हैं आप, चाहते हैं धन पाना आपको धन हो जाएगा, पल चाहते हैं पल हो जाएगा, शरीर स्वस्थ है स्वस्थ चाहते हैं स्वस्थ हो जाएगा, मुक्त होना चाहते हैं मुक्त हो जाएगा, भगवान का प्रेम चाहते हैं प्रेम मिल जाएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। मगर भगवान के नाम से, भगवान के ग्रंथ भागवत से जो मिलेगा उसकी वैल्यू भगवान से कम ही रह जाएगी। भगवान के नाम भजन में जो सुख है, नाम से जो मिलेगा वो सुख नाम भजन के सुख से हल्का सुख होता है। जैसे नाम भजन करने से माइंड कंट्रोल हो जाता है, अरे प्रकट बात है सबका देखा हुआ विषय है, नाम कीर्तन नाम भजन करने से मन नियंत्रण में आ जाता है और मन नियंत्रण में आने से व्यक्ति शांति और सुख का अनुभव करता है। मगर वो जो सुख का अनुभव करता है वो सुख नाम भजन में जितना सुख मिलता है उससे कम ही रह जाता है। बाकी किसी साधन में ज्यादा सुख हो उसके फल में कम हो ऐसा नहीं होता। जैसे दुकान पे बैठने में ज्यादा सुख है या पैसा मिलता है उसमें ज्यादा सुख है, बैठने में किसी को सुख नहीं है, उससे जो फल मिलेगा पैसा वो सुख ज्यादा है बैठने से। स्कूल जाने में ज्यादा सुख है या नौकरी लग जाती है तो ज्यादा सुख है, स्कूल जाने में उतना सुख नहीं है, पढ़ना पड़ता है, रात रात भर जग के एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है। ज्यादा सुख कब होता है, जब एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो फल में सुख है साधन में सुख नहीं है, मगर भगवान की भक्ति ऐसी है कि सुख तो फल में भी है साधन में भी है, मगर यदि भगवान से कोई दूसरी चीज चाहता है तो भगवान के स्वरूप में जितना सुख है उससे उसको कम ही सुख मिल पाता है। इसलिए जब ध्रुव महाराज भगवान के लिए तपस्या किए, भगवान प्रकट होके ध्रुव महाराज को बोले कि ध्रुव मुझसे वरदान ले लो, तो शर्मा रहे थे, बोले कि नहीं नहीं स्वामी, स्वामी कृतार्थोस्मिन वरम नया छे, मुझे स्वामी आज मैं आप जैसे हीरे को पा गया, अब आपसे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहता। भगवान बोले कि ध्रुव ऐसे अगर करोगे तो इस संसार के लोग बोलेंगे देखो विष्णु कितना खतरनाक भगवान है, वो छोटा 5 साल का बच्चा उसके लिए तपस्या किया राज्य पाना चाहता था, और जब वरदान देने का समय आया तो बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया, कुछ मांग ही नहीं पाया। तो बोले कि इससे मेरी बदनामी होगी, कल को कोई भजन नहीं करेगा। तो जितनी चीजें हेदी राजन ने बालक कहा, हे राजपुत्र जो जो तुम हृदय में सोच के आए थे सब कुछ लेना पड़ेगा। भगवान बोले 36,000 साल पिता का राज्य करना
पड़ेगा। पहले ध्रुव महाराज चाहते थे कि मिले राजे, मगर अब तो कह रहे कि नहीं चाहिए। भगवान कह रहे करना पड़ेगा, तुमको चाहिए था ना राजे, मिलेगा मिलेगा वो मिलेगा। और उनकी इच्छा थी कि अब पिता का राजे नहीं, पिता के पिता के पिता ब्रह्मा जी से पूछा राजे चाहिए। तो भगवान बोले कि ठीक है, वैकुंठ लोक का हिस्सा है ध्रुव लोक, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं। आज तक किसी के नाम उसकी रजिस्ट्री नहीं की, आज से तुम्हारे नाम उसकी रजिस्ट्री करते हैं। प्रलय काल में भी उस ध्रुव लोक का नाश नहीं होता। अच्छा वरदान सुन लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। भगवान बोले अच्छा वो तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम, उससे कुछ दुश्मनी थी ना, और अब तो ध्रुव महाराज के मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। भजन करके हृदय इतना निर्मल हो चुका कि उनके मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति कड़वाहट नहीं बची। बोले नहीं नहीं प्रभु, उसकी कोई टेंशन नहीं। बोले नहीं नहीं था या नहीं था झगड़ा? बोले था तो उसी झगड़े के चलते तो आया था। बोले वो तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम जंगल में जाएगा, मर जाएगा। ये वरदान की लिस्ट में से वरदान था। फिर बोले अच्छा वो सौतेली माँ सुरुचि तुमको कड़वे वचन बोली थी, जब करते हुए याद आता था? अरे भगवान तो पोल खोल दिए, जब करते हुए याद आता था। तो गुरु महाराज बड़ा संकोच कर रहे, कह रहे कि जो भी था प्रभु मेरे मन से सब निकल गया। आज स्वामी कृतार्थोस्मिन वरम नयाचे, आज आपको पा गया, अब किसी के प्रति मेरे मन में कुछ नेगेटिव नहीं बचा है, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं। वो लोग जिए करोड़ साल जी, हमें कोई दिख। बोले था या नहीं था? बोले तुम नहीं बोलोगे मगर वेदा हम थे हिदी राचने बालक का, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या संकल्प था। तुम्हारी सौतेली माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में जाएगी, जंगल में आग लग जाएगी, वो भी मर जाएगी। मतलब जितना बातें ध्रुव महाराज भजन करते हुए सोचे थे, भगवान एक एक चीज को पूरी कर दिए। मगर ध्रुव महाराज जीवन में अनुभव किए है, बोले सत्य आशीषो ही भगवान स्तव पाद पद्म। बोले सत्य आशीर्वाद ये बड़ा राज्य नहीं है, सत्य आशीर्वाद कोई बहुत बड़ा पोस्ट पोजीशन नहीं है, सत्य आशीर्वाद ये नहीं है कि बहुत सारे नौकर चाकर हमारे हो जाए। सत्य आशीषो ही भगवान स्तव पाद पद्म, आपके चरण कमलों की प्राप्ति यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी सब इससे फीका रह जाएगा। एक प्रैक्टिकल चीज देखिए कि जो सुख कथा में बैठ के कथा सुन के प्राप्त हो जाए, ये सुख क्या आप 10 लाख रुपए खर्च करिए जाइए पटना किसी बार में, क्लब में, मूवी में, इसमें उसमें कितना घूम लीजिए, 10 लाख रुपए खर्च कीजिए, क्या इस सुख का एक बूंद भी मिल पाएगा? ये प्रैक्टिकल अनुभव भगवान गीता में प्रत्यक्ष आगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन को भगवान बोलने लगे तो अर्जुन बोले कि कहीं आप मुझको पोस्ट डेटेड चेक तो नहीं दे रहे? तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष आगम धर्म्यम, इस धर्म का पालन करने से प्रत्यक्ष इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया जा सकता है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये करने में सुखदायी है और हो जाए तो उसके बाद तो हमेशा के लिए सुखी सुख हो जाता है। तो इस तरीके से नाग पत्नियां बोली कि आपके चरण कमलों का भजन करने वाले हैं, जो आपके चरण पा जाए उस व्यक्ति के लिए बाकी सारी चीजें, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का लोभ भी उसके आगे तुच्छ बन जाता है। अरे भगवान में इतना सुख है कि भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद क्यों नाम है उनका? क्योंकि मुक्ति के सुख को कुत्सित कर देते हैं। भगवान में इतना सुख मिलता है, उनके नाम में, उनके कीर्तन में, उनकी कथा में इतना भारी सुख मिलता है कि संत लोग मुक्ति को भी छोड़ देते हैं भगवान के सुख के आगे। इतना भारी सुख है भगवान में, हमको उस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो हमारा प्रॉब्लम है, हमारी अविद्या है। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दिया था कि किसी का डिश टीवी खराब है तो फिर तो कुछ पिक्चर दिखाई देगी नहीं, अपनी पात्रता नहीं है, अपना अज्ञान से भरा चित्त है, माया मोह में फंसे हुए हम लोग हैं, इसलिए भगवान में उतना जो रस है उसको आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। मगर भगवान में इतना अपार रस है, इतना अपार रस है कि जो जो व्यक्ति भगवान के चरणों को पा जाता है उसके लिए इस संसार के प्रत्येक सुख, जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है, वो सब उसके लिए तिनके के समान नगण्य बन जाता है।
कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के लिए आई तो ऐसे भगवान शिव भी आए, रासलीला देखना चाहते थे। तो एक दिन की बात है, भगवान शिव रासलीला देखना चाहते थे तो आ गए, पार्वती जी के साथ आ गए। तो जब रासलीला देखना चाहते थे तो रासलीला में प्रवेश करने के लिए पूर्णमासी जी बाहर रोक दी, बोली कि देखिए ऐसा है कि यहाँ तो पुरुष केवल एक ही अंदर है, सत्य है कृष्ण, दूसरा पुरुष तो रह नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा। तो मानसरोवर जगह है तो शिव जी को मानसरोवर में बोले कि आप इसमें डुबकी मारिए। तो शिव जी जैसे ही उसमें डुबकी मारे है तो शिव जी क्या बन के आ गए, एक गोपी का रूप धारण, तो पूरा ड्रेस चेंज हो गया। वो क्या अपना बांध के रखे थे गमछा, तो अब तो वो गोपी ड्रेस हो गया, बाल बाल सब चेंज, आँख चेंज, आँख में काजल लगा, आज तक शिव जी कभी काजल नहीं, राख लगा के रखते थे, काजल लग गया आँख में, अब तो पूरा देख रहे तो पूरा चेंज हो चुके हैं। बोले कि अब तो जा सकता हूँ, तो बोले हाँ हाँ अब जा सकते हैं। तो उनको तो कोई प्रैक्टिकल अनुभव था नहीं शिव जी को, तो अब वहाँ पर गए, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, रासलीला में क्या करना होता है कुछ नहीं पता। तो छिपके शिव जी देख रहे थे, एक पेड़ से छिपके शिव जी देख रहे थे रासलीला को। तो जब रासलीला में भगवान श्री कृष्ण को देखे, पेड़ पे चढ़ के देख रहे थे, वहीं से नीचे गिर गए, ऐसा मोहित हुए भगवान के रूप पे, ऐसा मोहित हुए नीचे गिर गए। जब नीचे गिरने की वजह से सब गोपी बोली अरे कौन गिर गया, कौन गिर गया, कौन गिर गया, देखो देखो देखो, तो देखा तो एक गोपी थी। तो सारी की सारी गोपियां उसको घेर ली, कौन हो तुम, क्या तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारे गांव का क्या नाम। ओ शिव जी बोले मैं तो खुद भूत पति हूँ, मेरे पति का नाम पूछती है, और बड़ा फेर में पड़ने लगे। तो अब तो वो कुछ जवाब दे नहीं पा रही जब बिल्कुल भी, तो सारी की सारी गोपियां बोली कि जवाब तो नहीं तो लाफा पड़ेगा, और सब मिलके शिव जी का पिटाई करना शुरू की। तो भगवान इंटरफेयर किए, कृष्ण बोले अरे रुको रुको क्या कर रही हो, ये शिव जी हैं। तो भगवान उस दिन से शिव जी को रास मंडल का क्षेत्रपाल बना दिए, इसलिए उनका एक नाम क्या हो गया, गोपेश्वर। तो रासलीला इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर है, नारद जी रासलीला में जाना चाहते थे, नारद ही बन गए। लक्ष्मी जी जाना चाहती तो वहां पर बेल वन में तपस्या करने में लगी है, और शिव जी जाना चाहते थे तो वो भी एक गोपी का रूप धारण करके तब रासलीला में जा पाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। नागपतियां आगे कह रही हैं कि अपराध सकृत भरता शोधव्यं सो प्रजापिता। कोई भरता जो हो, स्वामी जो हो, मालिक हो, कोई राजा है, नेता है, तो अपनी प्रजा का या पिता को अपने पुत्र का तो अपराध सकृत भरता। एक बार तो अपराध सह करना ही चाहिए ना। अब एक ही अपराध पे यदि दंड देने लगे या किसी को त्याग दें तो ठीक नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अपराध सकृत, सकृत यानी एक बार भी किसी भी स्वामी को अपने सेवक के अपराध को सहन करना चाहिए, कम से कम एक चांस तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम लोग कभी हमारे प्रति कोई कुछ गलती कर देता है तो गुस्सा आ जाते हैं, और गुस्सा में अब क्या क्या तेवर दिखाते हैं, क्या करते हैं, माफ नहीं करना चाहते। और यदि कदाचित कभी सामने वाला व्यक्ति आके माफ़ी मांग भी है तो बाहर से बोल देते अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे बोल देते, या माफ़ी मांगने कोई आए तो हम उसी की गलती को और ज़्यादा, अब वो अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा है, माफ़ी मांगने आए तो उसको माफ़ करना चाहिए, तो हम बजाय माफ़ करने के अब पूरा उसकी गलती उसको समझाने के लिए चार्ट निकाल लेते हैं। हाँ, तो माफ़ तो हम लोगों से किसी को किया जाता नहीं, मगर ये विचार करना चाहिए कि यदि उसकी तरफ हम हो, गलती हमसे हुई हो और हम माफ़ी मांग रहे हो तो हम क्या चाहेंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी से माफ़ी मांगने जाता है, हम खुद देखें इंसान माफ़ी मांगने जाता है कि तुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना, सामने वाला एकदम गुस्साना चालू हो रहा है, ये तुम ये वो तुम तो वो, तो तब तो यार माफ़ी मांग लिया, पूछ लो ना कि इतना मेरे को लेक्चर पहन रहे हो। हम किसी से यदि ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन भर कभी किसी को सॉरी बोलना चाहते ही नहीं,
जानते हैं कि गलती ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे नहीं होती है, संसार में सबसे गलतियाँ होती हैं, मगर हमारा अहंकार हमको झुकने नहीं देता, किसी को जाके सॉरी बोल दे ऐसा हम करते नहीं है, किसी तरीके से ढकना चाहते हैं अपनी गलती को, ढक देंगे। अगर आप सोचिए कि हम किसी से सॉरी बोलने जाएं तो हम क्या चाहेंगे, वो हमें माफ़ कर दे या लता दे हमको, अपने लिए क्या चाहेंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, समझ में आया, भगवान के पास गए, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, अब आप क्या चाहेंगे भगवान से। अरे तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, है ना, मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति को कभी कभार गलती कर देता हो, भगवान को तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। तो जब कोई हमसे माफ़ी मांगने आए है तो हमको भी उसको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि forgive and forget दोनों बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग फॉरगिव कर देते हैं, चलो जी माफ़ किया, मगर जीवन भर भूलते नहीं, हमेशा याद रहेगा किया था, मगर हृदय से माफ़ कर देना चाहिए। तो नागपत्नियाँ कह रही हैं कि किसी भी स्वामी को, विशेष रूप से अब अपने बेटे के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, उसको सेकंड चांस देना चाहिए। संतुम अरहसी शांत आत्मा, संतुम अरहसी उसको माफ़ कर देना चाहिए शांत आत्मा। क्यों कर दें जी, यदि पूछे भी क्यों कर दें तो कहिए क्योंकि आप शांत आत्मा हैं। शांत किसको कहा जाता है, ऐसा नहीं कि हम एक जगह बैठ जाएं ओम शांति ही शांति ही शांति ही और उसके बाद सिगरेट फूंक रहे हैं। शांत बोला जाता है जिसके मन में अब भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जिसके मन में कुछ कामना है तो वो तो हमेशा अशांत रहता है, मगर जिसके मन में केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की चाह है, केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है, वो पूर्ण रूप से शांत होता है। और शांत का एक अर्थ आचार्यगण इस रूप में करते हैं कि किसी के अपराध पे मन में गुस्सा ना आए तो बोलते हैं कि ये शांत व्यक्ति है। ऐसे तो शांत मूर्ति बैठे हैं हम, तब तक कोई जाता अभी शांत है, सब लोग बोले अरे कितना शांत है कितना, एक लाफा मार के टेस्ट तो करो तो पता चल जाएगा कितना शांत है। ऐसे सब शांत मूर्ति बैठे हैं, ठीक है, भरी सभा में किसी का नाम लेके उसकी बुराई कर दो तब देखो, तब पता चलेगा ना कि शांत था या नहीं था। हर चीज का टेस्ट होता है तो टेस्ट करके देखा जा सकता है, जानते ना, कोई नकली दूध होता है तो दूध वाला उसमें कुछ डाल के टेस्ट, बुखार होता है तो थर्मोमीटर डाल के टेस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से कोई शांत आत्मा है या नहीं कैसे पता चलेगा, दो लाफा मार के देख लो। हम लोग तो दो लाफा मारने तो बहुत दूर की बात है, कोई दूर खड़ा हमारी बुराई कर दे उसमें हमारा दिमाग बैलेंस हो देता है, आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। मगर भगवान कैसे है, शांत आत्मा है, किसी के भी अपराध को भगवान हृदय से नहीं लेते हैं, क्रोध नहीं करते किसी के ऊपर। तो कह रही है संतुम अरहसी शांत आत्मा, माफ इसलिए कर देना चाहिए, पहली बात क्या कि आप शांत आत्मा हैं, और दूसरी बात मूढ़स्य तो जानत था, ये मूर्ख है। दो कारण हो गए ना, आप माफ कर दो क्योंकि आप शांत हैं, और ये माफी के योग्य इसलिए है क्योंकि बेवकूफ है, मूर्ख है। अब किसी मूर्ख व्यक्ति, मान लीजिए किसी का दिमाग काम ना करता हो, उठा के एक ईंटा देके आपकी तरफ मार दिया, अब आप क्या करेंगे, उससे लड़ने खड़े होंगे? अरे वो तो मूर्ख है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, अब उससे लड़ने का क्या फायदा, वहां से चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है नहीं जानता तो उसकी गलती को वैसे भी माफ कर दिया जाता है। कहिए कि अनुग्रह शिव भगवान प्रणाम प्राणाजति पन्नगा, ये सांप जो है ये अब अपना प्राण ही त्यागने वाला है। अभी तक भगवान डांस नहीं रोके हैं, खड़े हैं उसके फण के ऊपर, बोले मर जाएगा क्या कर रहे हैं, प्राणाजति पन्नगा ये सांप प्राण छोड़ देगा, अब इसके ऊपर कृपा कीजिए, और यदि इसके ऊपर कृपा ना करें तो कम से कम हम लोग को देख के कृपा कर दीजिए। देखिए हम लोग भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हैं,
तो भगवान सुनते हैं, ये बात सत्य है, मगर उतना ज्यादा नहीं। यदि कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर दे तो भगवान उसको तुरंत सुनते हैं। अगर कोई भक्त हमारे लिए बोल दे भगवान को, तो फिर वो अर्जी भगवान तुरंत सुन लेते हैं। पति प्राण प्रदीयताम, आप हमारे पति के प्राण वापस दे दीजिए। वैसे भी साधु लोग स्त्रियों पे दया करते हैं, स्त्री और बच्चे सब दया का पात्र होती है। ऐसे फेमिनिस्ट कोई यहाँ पर आ जाएगा तो केस करने लगेगा हमारे ऊपर। मगर आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे और स्त्रियां जो हैं, कहा जाता है कि स्त्रियों के हाथ में आंसू होते हैं, आंख में नहीं होते। क्यों भाई? जब चाहे निकाल के दिखा देंगी। तो आंख में आंसू नहीं होता, हाथ में आंसू होता है। और किसी छोटे बच्चे को पेट में भूख नहीं होता, आंख में भूख होता है। ऐसे भूख नहीं लग रहा, बगल वाले को खाते देखेगा तुरंत भूख लग जाएगा, बोलेगा हमें भी चाहिए। और स्त्रियों को आंख में आंसू नहीं होता, हाथ में आंसू होता है, जब चाहे तब निकाल सकती है। और एक बार आंसू निकल जाए तो किसी को दया आने लगती है, वो व्यक्ति छोड़ देता है चीज को। तो यानी साधु सोचा ना, इसको आप साधु रूप में छोड़ दीजिए। आप इनको पीट पीट के साधु बना दिए, अब इसी रूप में इसको छोड़ दीजिए कि आज से अब कभी कोई अपराध ना करे, अब कोई अपराध ना करे। तब बोलनी है जो आज हम श्लोक उच्चारण करें, विदेही ते किं करिणाम। यदि भगवान बोलते हैं चलो जाओ, तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पति को हमने छोड़ दिया, मगर जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, बोल सकते हैं? तो कह रही है हाँ, तो बोलिए ना, अब जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। विदेही, विदेही मतलब आप आज्ञा दीजिए, एक बार बोलिए। विदेही ते किंकरी नाम, हम आपकी किंकरी हैं। किंकरी किसको बोलते हैं? पुल्लिंग में किंकर, स्त्रीलिंग में किंकरी, जो हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहे पूछे किंकर हमें क्या करूं, आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है। किम करोति किम करह, जो हमेशा किम करह, क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। हनुमान जी हमेशा इसी भाव में रहते हैं, राम जी के सामने हाथ जोड़ के क्या क्या करूँ, आदेश दीजिए। या भगवान बोले जाओ सीता की खोज कर लो, ठीक है चले गए। भगवान बोले नहीं कि सीता बोले क्या कुछ ला के आ गए लंका को। किम करह, जो बोले सो आज्ञा दीजिए करेंगे, इसको ही दास बोलते हैं। भगवान रामचरितमानस में भगवान राम बोलते हैं अयोध्या वासियों को अपना अंतिम उपदेश दिए भगवान राम, सोई सेवा प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जय। राम जी अयोध्या वासियों को एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट उपदेश दिए, वही सेवक है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, उसी को सेवक कहा जाएगा और उसी को मेरा प्रिय माना जाएगा। किसको? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसको सेवक बोला जाएगा, जो आके मंदिर में मुझे को आज्ञा देता है उसको बॉस बोला जाएगा। उसको तो सेवक नहीं स्वीकार किया जाता, तो बॉस बनने आया। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोला करते थे कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, कृष्णा इज नॉट योर ऑर्डर कैरियर। कि लिस्ट लेके चले जाते हैं, कृष्ण ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और इतने मूर्खानंद लोग होते हैं कि भगवान के पास जाके उनको ये भी बताने लगते हैं कि अगली ये लीला तुमको करनी चाहिए थी और ये लीला नहीं करनी चाहिए थी। भगवान भी बोलते हुए ठीक है भाई, अगली बार तेरे से पूछ के लीला करवा। भगवान जगत के स्वामी है, सबके स्वामी है, हम उनके दास हैं, हम उनके नौकर हैं, हमें उनकी आज्ञा के अनुसार काम करना चाहिए। यदि ऐसे जीवन जिए तो हर व्यक्ति सुखी हो सकता है। भगवान अर्जुन को भगवद गीता में ये नहीं बोले कि अर्जुन तुम क्षत्रियो इसलिए युद्ध करो। अंतिम बात भगवान क्या बोले? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितना भी कचरा अपने मन में रखे हो, सर्वधर्मान परित्यजे, उन सबका कचरा धर्म का त्याग कर दो। मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करूंगा, मैं ये हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं ये, जितना कचरा रखे हो तो ये सब सर्वधर्मान परित्यजे। और क्या करूँ? तो माम एकम शरणम व्रज, मेरे को शरणागत हो जाओ। अच्छा, शरणागत हो के क्या करना है? करना युद्ध ही है, मगर अंतर बीच में क्या आ गया? अगर कोई पूछे भाई क्षत्रिय होके भी युद्ध करते अर्जुन और किंकर होके भी युद्ध ही करना है, जब अंतर क्या आ गया?
कर्म वही रहा, चेतना में अंतर आ गया। पहले चेतना अहंकार के साथ ही मैं क्षत्रिय हूं तो कर्म का बंधन लगेगा, और दूसरे में इस अहंकार से कि मैं कृष्ण का दास हूं, उनकी आज्ञा का पालन करना है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा यदि इस चेतना में कर्म करोगे। फिर भी अर्जुन डर रहे थे तो वहां बोले मा शुच, डरो मत, शरणागत हो जाओ। तो वही कर्म करना है मगर निरअहंकार होके करना है। ऐसे लोग निरंकारी निरंकारी कर देते हैं, निरंकारी शब्द नहीं होता, निरअहंकारी शब्द है। अब उसको ब्रंज कर करके निरंकारी होने लगते हैं। निरअहंकारी अहंकार विमुक्त होके कर्म करना, ये कैसे होता है? एक बार की बात है कि वो ब्रज में दुर्वासा मुनि आए, तो गोपियों की इच्छा थी कि दुर्वासा मुनि इतने बड़े मुनि आए हैं तो जाके हम उनको कुछ खिलाती हैं। तो यमुना के तट पे खड़ी थी, कृष्ण भी थे, और यमुना का अगाध जल और नाव एक भी नहीं, और यमुना के उस पार दुर्वासा मुनि है भांडेरपुर में। अब गोपियां कृष्ण को बोली कि कृष्ण हमेशा कुछ उपाय करते हो, कुछ उपाय करो कि यमुना पार करके हम दुर्वासा जी की कुछ सेवा कर पाए। कुछ भोजन लेके गई थी कि जाकर उनको खिलाएंगी। भगवान बोले नो टेंशन, यमुना के तट पर जाना, यमुना जी को बोलना कि हे यमुना माई, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दीजिए। गोपियां संख्या में 1-2 हजार लाख नहीं थी, 1,92,00,000 गोपियों के साथ भगवान ने शारदीय रास किया था। 1,92,00,000 गोपियां और संख्या और थी। ये तो केवल जो शरद पूर्णिमा का महारास है मैंने उसका वर्णन किया, विमल कुंड का महारास अलग, चंद्र सरोवर का महारास अलग, अनेक महारास भगवान उस ब्रज की भूमि में किए। सब हंस रही है, तू ही ब्रह्मचारी हो। अब गई यमुना के पास, यमुना के तट पे, हे यमुना महारानी यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दे दीजिए। उसी समय यमुना जी रास्ता दे दी, कोई नौका नहीं कुछ नहीं, गोपियां यमुना पे चल के यमुना पार कर गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा हो गया। उसके बाद दुर्वासा मुनि को खूब खिलाई, जितना लेके गई थी वो गुजिया कचौड़ी संदेश बर्फी जलेबी जो कुछ लेके, सारा का सारा इतना सारा सामान लेके गई थी, 56 से ज्यादा हो, और दुर्वासा मुनि सारा चट कर गए, एक दाना छोड़े नहीं। उसके बाद गोपियों अब बोलती है कि भगवान आप भी कृपा कीजिए, कोई उपाय बताइए कि शाम होने से पहले रात होने से पहले हम वापस घर पहुंच जाए, यमुना पार कर लिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, जाओ यमुना के पास जाके बोलना कि यदि दुर्वासा निराहार है, आहार मतलब खाना, निराहार मतलब जो कुछ नहीं खाया, यदि दुर्वासा निराहार है तो यमुना जी हमको रास्ता दे दो। अब कृष्ण के सामने तो हंसने की भी हिम्मत थी, यहाँ तो दुर्वासा जी के सामने हंस पड़ी तो पता चला शाप मिल जाएगा। एकदम चुपचाप डरते डरते यहाँ तो हम देखी कि एक दाना छोड़ा नहीं, सारा चट कर गया, तब बोलता है कि कुछ खाया नहीं। तो जाके यमुना जी को बोली कि हे यमुना जी यदि दुर्वासा जी निराहार है तो आप हमें रास्ता दे दीजिए, और यमुना महारानी फिर उनको रास्ता दे दी। यमुना के जल पे चल चल के गोपियां यमुना पार कर दी। अब तो बड़ा भ्रम पड़ गया, जाके कृष्ण से पूछी, कृष्ण थोड़ा समझा देना क्या हो गया, तुम करोड़ों करोड़ों हम गोपियों के साथ रहते हो और तुम बाल ब्रह्मचारी हो गए, और वह दुर्वासा मुनि सब कुछ सफा चट कर गया, सारा खा गया, इतना ठूस ठूस के खा लिया, उसके बाद भी वो निराहार रह गया। भगवान बोले कि देखो दुर्वासा मुनि कभी भोग की मानसिकता से नहीं खाते, सब कुछ भोग लगा के प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करते हैं, इसलिए क्योंकि अहंकार रहित होके खाते हैं, इसलिए खाते हुए भी नहीं खाते हैं, और हम में तो कोई अहंकार संभव ही नहीं है, इसलिए हम सब गोपीगणों के साथ होते हैं ब्रह्मचारी है। कोई दूसरा नकल ना करे भगवान की, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सावधान कर दिया जाता है बार बार। सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे सावधान करते हैं, कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इच्छा हो कृष्ण की नकल करने की, रासलीला का वर्णन करके 33वें अध्याय में बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की नकल करना चाहता है
तो बोले ईश्वर की नकल नहीं की जाती है, ईश्वर की आज्ञा की पालन की जाती है। अगर नकल करने का फिर भी विचार है तो समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव तो उस विष को, उस पूरे समुद्र व्यापी विष को अंजलि कृत्य अपने कर कृत्य अपने हाथ में इतना समेट के एक घूंट में सारा पी गए थे। तो वो तो हलाहल विष था, सूंघने मात्र से व्यक्ति मर जाता। इस संसार में पोटेशियम साइनाइड आता है, जीभ पे रख के मर जाता है, वो छोड़ो। एक एक बोतल चूहे मारने की दवा पचा के दिखा दो, फिर रासलीला तुमको परमिट कर देंगे। ईश्वर की नकल नहीं की जा सकती। क्या करना चाहिए? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अनुकरण नहीं, अनुसरण किया जा सकता है। तो क्या कह रही है? विदेही ते किंकरी नाम, हम आपकी किंकरी हैं, क्या करें हमें बताइए। अनुष्ठेयं तवा क्रिया, आपकी दासियों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए वो आज्ञा हमें दीजिए। भाई भगवान पूछ रहे मेरी आज्ञा से काम करने से क्या लाभ मिलता है? तो कह रही है यद श्रद्धा अनुतिष्ठनमयी, उसमें आपकी आज्ञा में श्रद्धा करके कोई भली भांति उस काम को करता है तो मुच्यते सर्वतो भयात, वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है, सारे भयों से फ्री हो जाएगा। इस संसार में रहेगा, जन्म मरण के बीच में है, सब चीज के बीच में है, घर परिवार के बीच में, किस किस चीज के बीच में है, मगर ये जीवन भगवान की आज्ञा में बन जाए, भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है, यदि इतना हो जाए तो व्यक्ति निर्भय रूप से संसार में रह सकता है, कहीं कोई भय नहीं, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं और उनके आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज एक बार झारखंड के जंगलों में प्रचार कर रहे थे तो सामने काफी सारे भक्त थे, 20 के करीब भक्त थे महाराज जी के साथ, और सामने से बहुत प्रसिद्ध वहां का जो डाकू था, वो डाकू अपनी पलटन के साथ बंदूकों के साथ आ रहा था, एकदम निकट की बात बता रहे आपको। तो हुआ क्या, सारे भक्त तो पूरा पूरा डर गए मेरे बाप रे। और मालूम है कि उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाता था तो डाकू लोग उसको मार देते थे, तो सारे भक्त डर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। महाराज जी एकदम सामने चल रहे थे, महाराज नहीं डरे, वो एकदम चले जा रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। तो भक्त लोग पूछे बोलो क्या बोले, महाराज को जवाब नहीं दिए। तो जो डाकू मेन डाकू था वो सीधा महाराज के सामने आके खड़ा हुआ, बोला कहाँ जा रहे हो साधु जी? तो महाराज बोले कि हम जा रहे हैं उधर गांव में, उस क्षेत्र में हरि नाम का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जा रहे हैं। इतना सुना वो डाकू छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला, नमस्कार। वो कभी किसी को नहीं छोड़ता है, साधु हो कोई हो मारना ही है। महाराज बस इतना बोल दिए कि हम तो महाप्रभु की आज्ञा से हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसी समय छोड़ दिया। नाचा भी था, नाचा भी था, कीर्तन में नाचा भी था, कीर्तन में। हाँ, ये बता रहे हैं कि सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद बोला कि थोड़ा फिर कीर्तन करो, बोले ना तुम हरि नाम के प्रचार के लिए जा रहे हो। तो भक्त लोग सब मिलके, भक्त लोग तो पहले डरे हुए थे, बोल रहे कीर्तन करने को, तो डाकू के सामने कीर्तन किए, कीर्तन में वो पैर उछाल उछाल के हाथ ऊपर उठा उठा के नाचा भी। हरि बोल। कोई व्यक्ति संसार में जीवन जिए भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो कह रही है कि यत श्रद्धया अनुतिष्ठनमये, भगवान की आज्ञा में श्रद्धा करनी चाहिए। हम लोग श्रद्धा नहीं करते भगवान की बात में, कोई कुछ बोले श्रद्धा कर लेंगे। एक बार की बात है, गुरु जी थे तो बहुत दूर से उनका एक चेला उनसे मिलने के लिए आया, दो चेले आए, दोस्त दोनों आए। तो गुरु जी बोले कि तुम इतना दूर से आए हो, आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल चले जाना। तो बोला नहीं गुरु जी, बड़ा काम है, आज ही जाना पड़ेगा, नहीं रुक सकते। गुरु जी फिर बोले नहीं भाई देखो रुक जाओ, बहुत दूर जाने इतना थक के आए हो, एक रात रुको, कल चले जाना। बोला नहीं गुरु जी, बहुत काम है, नहीं रुक सकते। तीन चार बार गुरु जी बोले, तीनों चारों बार आज्ञा माना नहीं। अब जब गुरु जी बोले अच्छा ठीक है भाई जाओ, तुमको जाने की इच्छा है। जब जाने लगा तो जैसे ही आश्रम से बाहर पहुंचा तो एक गधा हिन आ गया, तो तुरंत वापिस आ गया। बोला गुरु जी मैं सोच रहा हूँ आज रात रुक जाता हूँ, कल जाऊंगा। तो गुरु जी पूछे भाई मेरी बात समझ में आ गई तुमको? कैसे समझ में आ गई? बोला गुरु जी मैं बाहर जा रहा था, तब तक वो घोड़ा गधा हिनहिना, गधा जो है गधा हिनहिनाता नहीं है सॉरी, गधा आवाज कर दिया, तो गधे की आवाज सुना तो अपशकुन हो गई, मैं सोचा कल जाऊंगा। तो गुरु जी बोले वाह, गुरु की बात तो समझ में नहीं आती, गधे की बात तुमको बढ़िया समझ में आती है।
हम लोग इतने गधे हैं, इतने गधे हैं। भगवान बोले, शास्त्र बोले, भगवत गीता बोले, साधु बोले, वैष्णव बोले, उसमें श्रद्धा नहीं हुई। और अखबार में कुछ बोल दिया जाए, फिल्म स्टार कुछ बोल दे, पत्रकार कुछ बोल दे, उसमें तुरंत श्रद्धा कर लेंगे। भाई धर्म करना है तो धर्म किसके अनुसार करना चाहिए? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान की आज्ञा वही धर्म है, भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म करना चाहिए। मगर भगवान ने जो आज्ञा दी उसमें तो हमको रुचि प्रीति श्रद्धा नहीं बनती है। और अखबार में पढ़ लेंगे कि सोमवार के दिन ऐसा करना चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रत्येक सोमवार करने लगेंगे। एक बार की बात है, दिल्ली में हमारे एक मित्र थे, उनके घर के पास दो व्यापारी रहते थे आमने सामने। तो एक व्यापारी का व्यापार बहुत बढ़िया चलता था और दूसरे का व्यापार थोड़ा ढीला ढाला चलता था। तो ये व्यापारी सामने दूसरे के घर में हमेशा देखता रहता था, भाई कुछ तो ऐसा है जो ये करता है जिसकी वजह से इसकी दुकान ज्यादा चलती है, मेरी कम चलती है। तो एक दिन क्या देखा कि वो जो सामने वाला व्यापारी था तो उसके टॉयलेट में बहुत बदबू आती थी। तो क्या करता था कि टॉयलेट जाने से पहले दो अगरबत्ती लगा के टॉयलेट जाता था। बोला समझ गया, ये टॉयलेट को अगरबत्ती दिखाता है, इसीलिए इसकी दुकान चलती है। तब से नियम पूर्वक टॉयलेट में अगरबत्ती जलाने लग गया। तो भेड़ चाल कर लेंगे, नकल कर लेंगे, उसमें श्रद्धा कर लेंगे। अखबार वाले कुछ बोल देंगे, उसमें श्रद्धा कर लेंगे। ओ माय गॉड, पी के ऐसी थर्ड क्लास की कोई मूवी में बॉलीवुड के थर्ड क्लास के फिल्म स्टार कोई थर्ड क्लास की बात बता देंगे, उसमें श्रद्धा कर लेंगे। मगर भगवान कुछ बताते हैं तो हम लोगों को कभी उसमें श्रद्धा नहीं होती है। भाई मगर कोई पूछ दे कि भाई आज तो भगवान नहीं है तो कैसे पता चलेगा भगवान की क्या आज्ञा है? तो भगवान ने अपनी आज्ञा भगवत गीता में दी है। भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद किए लिखे श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। हिंदी में बोले तो भगवत गीता यथारूप, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा भगवत गीता प्रभुपाद जी दी है। तो कोई अगर जानना चाहता है कि भगवान की क्या आज्ञा मेरे लिए, तो भगवत गीता से जाने। मगर दुर्भाग्य क्या, हम लोग भगवत गीता पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उस दिन एक व्यक्ति बड़ा सुंदर प्रश्न किए थे कि 92% समृद्धि जो है वो विधर्मियों के पास क्यों है। ऐसे तो उनका सर्वे हमको उतना नहीं समझ में आया था, मगर उसके बाद मैं विचार कर रहा था। भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम होने के बाद उसमें बलि महाराज पूरा मर गए थे, उनके टुकड़े टुकड़े देवता कर दिए थे। तो नारद मुनि के आदेश पे असुर लोग बलि महाराज के शरीर के टुकड़ों को शुक्राचार्य के पास लेके गए और शुक्राचार्य मित्र संजीवनी विद्या से बलि महाराज को वापस जीवित कर दिए। अब बलि महाराज जब वापस जीवित हुए तो सोचे कि मैं तो मर गया था, मुझे नया जीवन दिए मेरे गुरु महाराज, आज से मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में समर्पित है। अब वो बलि महाराज क्योंकि शुक्राचार्य आदि की इतनी बढ़िया सेवा करते थे कि उससे इतना शक्तिशाली हुए कि स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किए। स्वर्ग के भीतर जाके आक्रमण नहीं किए, केवल स्वर्ग की सीमा पे जाके शंख बजा दिए। इतने में सारे देवता थर थर का आपके स्वर्ग छोड़ के भीगी बिल्ली की तरह भागे। अच्छा, देवता लोग बृहस्पति जी के पास गए, उनसे पूछे कि महाराज जिस बलि को हम मार दिए थे आज वही बलि वापस जीवित हो गया, आश्चर्य। और उसका तेज इतना बढ़िया, इतना बढ़िया कि हम सबका तेज उसके सामने पूरा फीका पड़ गया, क्या बात है? तो बृहस्पति जी बोले क्योंकि बलि अपने गुरु की तन मन धन से सेवा कर रहा है, ये ब्राह्मणों का तेज है बलि में, उसका अपना तेज नहीं है। अगर हम ये मान के चलें कि विधर्मियों के पास ज्यादा समृद्धि है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है, हम लोग माला जप करने में शर्म करते हैं मगर वो लोग नाम लेते हैं, नियम पूर्वक नाम लेते हैं। हम लोग एक दिन भगवद गीता पढ़ना नहीं चाहते, भागवत पढ़ना नहीं चाहते, और वो लोग दिन में 5-5 बार प्रण करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उनकी शक्ति तो बढ़ेगी। हम भोगों में लगे हैं, हम संसार में लगे हैं, भगवान को भूलते जा रहे हैं, और वो साधना करते हैं।
तो आसुरी साधना करते हैं तो आसुरी शक्ति बढ़ेगी, वह ठीक है, मगर समृद्धि बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो लोग तो करते हैं, किसी क्रिश्चियन को देखो बाइबल पढ़ेगा, किसी मुसलमान को देखो कुरान पढ़ेगा, और हम लोगों के बच्चे भगवद गीता, पूछो किसी बच्चे से बताओ भगवद गीता में कितना श्लोक है, लाल टी शर्ट शर्ट वाला तुम बताओ, बताइए, खड़े हो खड़े हो, बताइए आपका नाम क्या है, हैं ये तो कंठी वाला है तो शायद बता ही देगा, भगवद गीता में कितना श्लोक है, क्यों माएंगे, केवल हम लोगों का क्या बोलते हैं आईना देख रहे हैं कि हम लोग किस स्थिति में है, हमारे बच्चा है ना, ये पराया बच्चा तो नहीं है ना, हम ही लोगों का है, और जैसे एक ये इसका दोष नहीं है, चालू हो गया ऐसे में बहुत बच्चों को खड़ा कर सकता हूँ। हाँ बताओ बेटा भगवद गीता में कितना श्लोक है, बोलिए तुक्का मारो, नहीं पता, 400 श्लोक है इसके लिए, बोलिए हरि बोल, ये तो कंठी इसकी मैं देख लिया तो समझ गया ये बता देगा, दूसरे को दो, इन लोगों की तो ट्रेनिंग हुई है ना, ये लोग भक्त लोग हैं, ये लोग बहुत कुछ बता देंगे जो बड़े भी नहीं बता पाएंगे, ये तुम बताओ, चलो आगे बैठो, ये बताओ भगवद गीता में कितना अध्याय है, ये प्रभुपाद जी बोलते थे कि मंदिर पिकनिक के लिए नहीं होते हैं, मंदिर ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, बताओ भगवद गीता में कितना चैप्टर है, कितना अध्याय है, खड़े हो खड़े, शर्मा हो ना, तुम्हारा बेइज्जती नहीं होगा तुम्हारे मम्मी और पापा, मम्मी पापा बाबा नहीं पता है, 18 है, 18 हाँ वो तो ठीक है, इससे पूछ रहा हूँ ना, ठीक है तो तुम बताओ, चलो श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं और कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय है और स्कंद 7 है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में क्या अंतर है, आप जो बताए 700 स्कंद नहीं है 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय और वो भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम में नहीं है, श्रीमद् भागवतम अलग है भगवद गीता अलग है, लोग ये भी नहीं जानते, ये बताना चाह रहा था मैं, श्रीमद् भागवतम, हाँ बोलो, नहीं नहीं आपको सॉरी नहीं, आपकी मम्मी सॉरी बोलेगी जो सिखाई नहीं, मम्मी नहीं आई, मम्मी आई नहीं तो घर जाके सॉरी उस रिकॉर्ड करवा के भेजना, सबसे बड़ी गलती आप देखिए सबसे बड़ी गलती क्या, बच्ची आई है मम्मी क्या है इंस्टाग्राम पे लगी है, नहीं उसका तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है भाई, ऐसी बहुत सारी मम्मियाँ हैं आजकल की, अभी जितनी मम्मियाँ हैं वो तो अच्छी मम्मी मिल जाएंगी, बाद वाली सारी मम्मी इंस्टाग्राम पे लग रहेंगी, वो बेटा बेचारा, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अंतर भी हमारे बच्चों, बच्चे क्या बड़ों को नहीं मालूम, हम बड़ों को खड़ा नहीं कर रहा कर भी सकता हूँ भगवद गीता वो ग्रंथ है जो कुरुक्षेत्र में भगवान बोले अर्जुन से, और श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए, भगवद गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय है, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद 335 अध्याय है, हम लोग अपने ग्रंथों के क ख ग को नहीं जान रहे तो निश्चित रूप से समृद्धि कैसे मिलेगी ये बताइए, तो भगवान की आज्ञा अगर हम लोग जाननी है तो क्या करना पड़ेगा, भगवद गीता क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाँ ये बच्चे सही बोल रहे हैं, एकदम कंपल्सरी पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ बच्चों को नहीं उनके माता पिता को भी पढ़ना पड़ेगा, आज हम लोग अवॉइड करेंगे नहीं पढ़ेंगे, कल को बच्चे कभी भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, कभी कभी माता पिता हम लोग के पास आते हैं बोलते प्रभु जी थोड़ा बेटा को समझाओ ना, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, तो मैं उससे पूछता हूँ पहले आप बताओ कि आप किस में लगते हो, नहीं हम तो कभी कभी देख लेते हैं, जब आप मोबाइल में लगे हो तो आपका वो तो वही बात आ जाती है घूम फिर के कि आप हिरण्यकश्यपु बनोगे और बेटा आपका प्रहलाद महाराज निकलेगा, तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा ना,
प्रतिदिन नियम बना लें, एक एक भगवत गीता एज इट इज सब ले और नियम बना लें कि अपने घर में एक श्लोक जरूर पढ़ना है रोज। भगवत गीता है भगवान की आज्ञा, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबका कर्तव्य उसमें निर्धारित करके बताया है। किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। भगवान गीता में कितनी बार बोले सुहृदम सर्वभूतानाम सर्व जीवानाम, सभी जीवों का सुहृद हूँ, सबके कल्याण के लिए जो फॉर्मूला है मैंने भगवत गीता में दिया है। तो भगवान की आज्ञा, नाग पत्नी कह रही है कि भगवान की आज्ञा पालन करने मात्र से व्यक्ति सारे भयों से मुक्त हो जाता है। तो तुरंत सवाल हम लोगों के लिए उठेगा कि आज हम भगवान की आज्ञा कैसे पाएं? तो भगवत गीता पढ़ के और जो भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं भगवान के ऐसे प्रतिनिधियों से हम उनकी आज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं गुरुजन जो है, तो वो भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उस साइंस को जानते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, तो वो चीज़ को हमें करना चाहिए। मगर एक चीज़ फिर याद रख लीजिए दोबारा से, क्या कह रही हैं, यद श्रद्धया अनुतिष्ठन भाई, भगवान की बात में श्रद्धा करनी चाहिए। लोग बोलने लगते हैं अपनी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वैसी भक्ति, ऐसे बोलते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई काम ठीक नहीं होता है। हम लोगों की तो श्रद्धा है सांसारिक भोग में, तब तो जन्म जन्मांतर हम पड़े हैं जन्म मरण के चक्र में 84 लाख योनि में। क्यों? क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों से सिर्फ अपने मन की सुनते हैं, अपने मन और अपनी बुद्धि की श्रद्धा के अनुसार काम करते हैं। इसको बदलना है। हमारी बुद्धि तीनों गुणों के अंदर है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर है। भगवान की बुद्धि गुणातीत है, ऐसे गुणातीत भगवान की बुद्धि से अगर हम काम करेंगे तो गुणातीत होके तब हम इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, नहीं तो हमेशा फंसे रह जाएंगे। तो श्रद्धा कैसी करनी है? अपने में श्रद्धा नहीं करनी है, हमारी अपने में श्रद्धा है। मेरा मन कह रहा है तो ये चीज सही होगी। लोग बोलते हैं गलत बात मुझको पसंद नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए किसके हिसाब से तो फंस जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये अनिरुद्ध जी बोले प्रभु जी गलत बात हमको पसंद नहीं है, तो एक सवाल उठेगा किसके हिसाब से बताओ? मेरे हिसाब से? आपके हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से गलत है सही, उसके हिसाब से बोलेंगे कि गलत है सही। नहीं तो चोर के हिसाब से चोरी करना गलत है या सही है? चोर के हिसाब से, चोर की मानसिकता के हिसाब से चोरी करना सही है या गलत है? तो आपके घर में आ जाए, वो तो सही काम कर रहा है ना, वो कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया अपने हिसाब से। इसलिए अपना हिसाब, तेरा हिसाब, मेरा हिसाब नहीं चलेगा, भगवान का क्या हिसाब किताब है वही चलेगा, क्योंकि सबके कर्म फल दाता भगवान है। कर्मय अधिकार अस्ते माँ फलेशु कदाचन, हमारा कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे अधिकार नहीं है। फल देने वाले कर्म फलदाता भगवान है, उनके अनुसार सही होगा तो फल अच्छा मिलेगा, उनके हिसाब से गलत होगा तो फल बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए। विदेहि ते किं करिणाम अनुष्ठेयम् तवाज्ञया यत् श्रद्धया अनुतिष्ठं वे मुच्यते सर्वतो भयात्। तो ऐसा व्यक्ति सभी भयों से मुक्त होकर संसार में अपने कर्म मतलब भगवान द्वारा निर्दिष्ट अपने कर्मों को निभाते हुए निर्भय संसार में रह सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग में से कौन कौन अब रोज भगवद गीता पढ़ेंगे, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, बाकी अनपढ़ है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, या भगवान से झगड़ा है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, क्या कारण?
रोज नहीं चलो, कभी कभी कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है? अच्छा, इसमें हमारी संख्या, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। पर हम लोगों को, सब लोगों के पास कम से कम एक भगवद गीता घर में होना ही। आप लोगों में से किस किस के पास ये भगवद गीता एज इट इज घर में है, हाथ खड़ा कीजिए। तो बहुतों के पास यहाँ पर है। जिन जिन के पास नहीं है, एक एक भगवद गीता होना कंपल्सरी है, होना है। और दूसरी चीज, एक चीज और बता देते हैं। मान लीजिए भगवद गीता है ये लाल कपड़ा, हे भगवद गीता हम आपको आज लाल कपड़े में बांध रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस लाल कपड़े में ही हमेशा बंधे रहें, आप कभी खुलिएगा नहीं, क्योंकि यदि आप खुलेंगे और कोई आपको पढ़ लेगा तो हमारे जन्म जन्मांतर का अज्ञान दूर हो जाएगा, जिसको हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। ये भगवद गीता लाल कपड़े में बांधने के लिए नहीं है, ये भगवद गीता पढ़ने समझने और इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए भगवान ने दी है। तो लाल कपड़ा खोल दीजिए थोड़ा सा, ये लाल कपड़े में रखने के लिए नहीं है। इतना नियम बना देते हैं, कोई कोई लोग भगवद गीता ले भी लेते हैं, इतना नियम बना देते हैं, इतना नियम बनाते हैं जिससे कि कोई जीवन में कभी भगवद गीता पढ़ ही ना पाए। नाय बिना नहीं पढ़ना, ये जगह बैठ के पढ़ना, पूजा घर में जाके पढ़ना, लाल कपड़े में बांधे रखो, कभी मत पढ़ना। इतना नियम बनाएंगे, इस दिन मत पढ़ना, उस दिन मत पढ़ना, आज ये हो गया तो मत पढ़ना, आज वो हो गया तो मत पढ़ना। मगर सच बात यह है कि पवित्र अवस्था चाहे अपवित्र अवस्था चाहे किसी दिन में भगवद गीता श्रीमद भागवतम का नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन नित्य उसका सेवन जरूर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है और कि आज हम पवित्र नहीं है, छुटका लग गया घर में, कोई मर गया, कोई जन्म ले लिया, तो आज हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, आज हम नाम जप नहीं करेंगे। तो क्या आज हम मनुष्य से कुत्ता बन जाएंगे? क्यों धर्म विहीन पशु भी समाना? ऐसा ऐसा नियम बनाते हैं कि कोई घर में कुछ हो गया तो इंस्टाग्राम देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, भगवद गीता पढ़ोगे तो अपराध हो जाएगा। अच्छा, कोई बोल सकता है ये शास्त्र विरुद्ध बात है ना जो मैं बोल रहा हूँ, मगर शास्त्र विरुद्ध नहीं है। दो विधि होती है, एक भागवत विधि कहलाती है, एक पांचरात्रिक विधि कहलाती है। भागवत विधि का मतलब होता है जो श्रवण कीर्तन करने की विधि है, जैसे नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवद गीता पढ़ना, श्रीमद भागवत की कथा को सुनना, श्रीमद भागवत की कथा कहना। तो भागवत विधि आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, पवित्र पवित्र व सर्वावस्थम गतोपि भाव यह स्मरेत पुंडरीकाक्षस भय अभयंतर शुचि। अपवित्र अवस्था चाहे पवित्र अवस्था, भगवान का स्मरण करने से, उनका कीर्तन करने से, उनका श्रवण कीर्तन करने से कोई बाधा नहीं है। अपवित्र अवस्था में भी श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति पवित्र माना जाता है। तो नियम क्या है कि किसी कारण घर में कोई अपवित्रता हो जाए तो पांचरात्रिक विधि का सेवन नहीं किया जाता। जैसे ठाकुर जी को भोग लगाना, भगवान की पूजा के सामान को छूना, ठाकुर जी को छूना, तुलसी के पौधे को छूना, तो ये सब पांचरात्रिक विधि का पालन नहीं किया जाता, मगर भागवत विधि का किसी परिस्थिति में त्याग नहीं किया जाता। ये शास्त्र का नियम है। मगर अब हम लोग इतना बड़े बड़े नियम बना देते हैं, आज तुमने प्याज खा लिया आज नाम नहीं जप कर सकते, आज तुमने प्याज खा लिया आज गीता नहीं पढ़नी है। अरे भैया पाप किया तो और ज्यादा करो ना उसका प्रायश्चित, कम क्यों करना है? एक लाइसेंस और मिल गया, आज पाप किया है इसलिए आज कोई पुण्य नहीं करना है, तब तो पक्का नरक का कन्फर्म टिकट तैयार हो जाएगा। बल्कि किसी दिन गलती से मांस खा लिए तो दो चार माला और करिए,
कि हे प्रभु देखो बार बार मुझसे गलती हो जाती है, जीव की लालसा में मैं फिर इनोसेंट पशुओं को मार मार के खाता हूँ, कब मेरी ये गंदी आदत जाएगी, कृपा करो प्रभु दया करो, आप तो सबके ऊपर कृपा करते हो, हे हरि नाम प्रभु मेरे चित्त को शुद्ध करो। तो जो शास्त्र के नियम है यही चीज मैं कहना चाहता था कि भगवान की आज्ञा में विश्वास करना चाहिए। भगवान की आज्ञा है कि किसी अवस्था में भागवत विधि का पालन करना है और अपवित्र अवस्था में केवल पांचरात्रिक विधि का त्याग करना है। इसमें श्रद्धा करना चाहिए, हम न्यूज़पेपर में श्रद्धा करेंगे, कॉलोनी वालों में श्रद्धा करेंगे, सब में श्रद्धा करेंगे, मगर भगवान की बात में श्रद्धा इसको नहीं करने को तैयार। तो भगवान की आज्ञा भगवत गीता में है, इसका सेवन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ने में समझ में आए तो पूछना चाहिए। जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाने की शक्ति रखते हैं तो उन लोगों से उसको समझना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्ण ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर हरि प्रेमानंद है।